नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। 26 मार्च तक 5 सीटें दे बीजेपी, वरना अलग होंगे रास्ते। गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करती है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर 26 मार्च तक पार्टी में उन्हें 5 लोकसभा सीटें नहीं दी तो उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। बता दें कि यूपी की योगी सरकार में मंत्री राजभर कई बार सीटों को लेकर बीजेपी को चेतावनी दे चुके हैं। राजभर ने कहा, बीजेपी की तरफ से समझौते में दी जाने वाली 5 लोकसभा सीटें की घोषणा का 26 मार्च तक इंतजार करूंगा। इस तिथि तक बात नहीं बनी तो हमारे रास्ते अलग होंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी की न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना की जमकर आलोचना की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना के जिक्र करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो राजनीतिक का व्यवसाय कर रही है। जेटली के मुताबिक कांग्रेस ने 7 दशकों से देश को धोखा दिया है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर 2019 के चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए मिलेंगे। इस स्कीम से 25 करोड़ लोगों ने सीधे फायदा होगा। न्यूनतम आमदनी गारंटी के तहत दिए जाएंगे। जेटली ने इस स्कीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस आज वो वादा कर रही है, वो पीएम मोदी पहले ही गरीबों को दे चुके हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस का इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने पर व्यवसाय कर रहा है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।